उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मेनाठेर थाना क्षेत्र से चंद कदम की दूरी पर डॉक्टर के यहाँ बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश मरीज की शक्ल में डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज कराने के लिए पहुंचे और फिर घर में दाखिल होकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही SSP भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार वालों से घटना के बारे में जानकारी ली। मुरादाबाद जनपद के मेनाठेर थाना क्षेत्र से चंद कदम की दूरी पर बदमाशों ने एक डॉक्टर के पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की परिवार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि बदमाश घर में मरीज बनकर दाखिल हुए और पूरे परिवार को गन पॉइंट पर लेकर लूटपाट की घटना को अंजाम दे डाला। बदमाश घर में रखे 42,000 रुपए की नकदी और घर में रखा सोना अपने साथ ले गए, जिसकी जानकारी पीड़ित परिवार ने पुलिस को दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं घटना के बारे में SP देहात विद्या सागर मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मरीज बनकर बदमाश घर में दाखिल हुए और उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। थोड़ा बोलियो ना, जरा शांत होइए सर। जी, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, आज जो मामला है, क्या मामला है? सर, ये डकैती का मामला था और हम लोग शाम 8 बजे अपने घर में आराम से थे। एक मरीज के, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं पापा, तो पेशेंट के बोला मुझे पेन है और दरवाज़ा खुलवाया उसने। किस टाइम की घटना? 8:30 बजे। लगभग कितने लोग थे जो यहाँ? लगभग थे वो 10-12 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा। सभी के पास हथियार थे, चाकू और ये जो उनके पास ये होते हैं गन वगैरह, ये सब थी। उन्होंने उन्होंने काफ़ी हम पे बार भी किया, चोट भी है हाथों में चाकू की और पापा के भी काफ़ी चोट लगी है सर में। देखो, जैसे घुसे घर में कैसे ये क्योंकि पापा डॉक्टर हैं तो दवाई के लेने के बहाने से ही घुसे कि मेरे हार्ट में दर्द है, डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दे दीजिए। तो पापा ने बोला कि मैं हार्ट का डॉक्टर नहीं हूँ, आप कहीं बाहर दिखा लीजिए। तो बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, एक गोली दे दो। ऐसे करता रहा काफ़ी देर तक। पापा ने उससे काफ़ी मना करा कि भैया मैं नहीं दूंगा दवाई, जाओ तुम लोग, लेकिन वो नहीं माना और वहाँ पर बहस करने लगा। तभी मैं ऊपर से आई, मुझे आवाज़ आई तो मैंने देखा कि नीचे बहस हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, भैया आप लोग मतलब ये सब क्या कर रहे हो, अगर दवाई नहीं देनी तो आप जाओ बाहर। तो इतने ही पीछे से 2 लोग और आए और उन्होंने गेट बंद कर दिया। वो पहले अकेला था जो? नहीं, 2 थे। अच्छा। एक बंदा और था उसके साथ, फिर उसने वो गेट बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगा ली और फिर पापा भी डिस्पेंसरी से बाहर आ गए और उन्होंने, पापा बोले ये क्या कर रहे हो तुम सब, तो उन्होंने फिर पापा को पकड़ लिया और हम सबको धक्का दे के जो भी उन पे हथियार थे वो चाकू वाकू उन्होंने निकाल के और हमें सबको अंदर ढक दिया। सारे लोग अंदर आ गए? हम लोग, हाँ, मेरी बेटी, हाँ, बदमाश सारे नहीं आए थे उस टाइम, तो 4 ही आए थे। वो उन्होंने सामने हम रूम में बंद कर दिए अंदर और फिर 4 लोग वो हमारे पास हो गए, सॉरी 3 लोग हमारे पास रुके वो हथियार लेके कि यहीं पे बैठो, बाहर नहीं निकलना है। ये घटना कौन सी जगह की है? थाना मेनाठेर। थाना मेनाठेर में कौन सी जगह का नाम है, क्या पता? मेनाठेर ही है। मेनाठेर जी, थाना कोतवाली मेनाठेर ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे बताया? लगभग कितने रुपए की आपकी नकदी और क्या पूरा मतलब? वो पापा वगैरह ने बताया होगा, क्योंकि मुझे तो ज्वेलरी का ही आइडिया है, कम 45 तोले से ऊपर तो गोल्ड ही होगा और साड़ियाँ वाड़ियाँ भी जो उन्हें लगा वो ले गए और कैश था पापा के पास, ऊपर कैश था 7,500 रुपये मेरे पर्स में वो ले गए और पापा के जो भी डिस्पेंसरी में कैश था गले में। फिर बाकी लोग किस तरीके से आए, मतलब 4 लोग आप बता रहे हो? अंदर रूम में बंद कर दिए तीनों, उसके बाद एक बंदा हमारे पास से गया और उन्होंने सबने हमारे पास गन लगा ली और चाकू वगैरह। आप कितने, कौन कौन था घर पे? मैं थी और मेरे पापा जी, ससुर जी और ये। क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई अभी तक पुलिस द्वारा की गई? थाना क्षेत्र मेनाठेर में रात्रि में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके हम मरीज बनकर के एक व्यक्ति पहले अंदर उनके चैम्बर में गया और उनसे इलाज कराने के बहाने अपने अन्य साथियों के साथ को बुला लिया और उनके घर में उनके द्वारा लूटपाट की गई है। इस संबंध में थाना मेनाठेर पर अभियोग पंजीकृत अज्ञात अभियुक्तों को कर लिया गया है और हमारी टीम लगी हुई है, घटना का शीघ्र ही हम अनावरण कर लेंगे। सर, कितने की लूट हुई है लगभग? ये 35,000 रुपये उनके जो चैम्बर में थे वो 35,000 रुपये और अन्य ज्वेलरी के बारे में उन्होंने
बताया कि हमारी अन्य ज्वेलरी भी चोरी लूट हुई है, उसके संबंध में उनके द्वारा अलग से दिया जाएगा।